दोस्तों, क्या आप देखना चाहते हैं कि समुद्र से करोड़ों की मछलियां कैसे पकड़ी जाती हैं? विदेशों में मछलियां पकड़ने के काम को बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े ही आधुनिक और मॉडर्न तरीके से करती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मछलियां पकड़ने से लेकर इनको प्रोसेस करने का करोड़ों का काम केवल एक जहाज में कैसे निपटाया जाता है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शायद ही आपने इससे पहले कुछ ऐसा देखा होगा। बस आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मछलियों को जाल और हुक की मदद से पकड़ा जाता है। इसके लिए सबसे पहले कुछ मछलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और इनका चारे के लिए इस्तेमाल होता है। ये काम मशीन की हेल्प से किया जाता है। बाद में इन टुकड़ों को हुक से लगाया जाता है। ये काम भी मशीन ही करती है। रस्सी के साथ हवा से भरे गुब्बारे भी लगा दिए जाते हैं, ताकि रस्सी समुन्द्र के तल तक न चली जाए। मछलियों को पकड़ने के लिए ऐसे क्षेत्र को चुना जाता है जहाँ मछलियाँ काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हो। इसके लिए सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी का भी इस्तेमाल होता है। 8 से 10 घंटे में लगभग सभी हुक्स पर मछलियां फंस जाती हैं। मशीन्स की हेल्प से रस्सी को जहाज के भीतर खींच लिया जाता है। समुद्र से पकड़ी जाने वाली इन मछलियों का वजन लगभग 8 से 10 किलो के करीब होता है। एक व्यक्ति इन मछलियों को जहाज के अंदर खींच रहा है और दूसरा इनको चाकू से काटने का काम करता है, ताजो इन मछलियों की जल्दी मृत्यु हो जाए। इसके बाद इन मछलियों को एक कंटेनर में डाला जाता है, जहाँ इन्हें धोने का काम होता है। इसके बाद इन मछलियों को प्रोसेसिंग लाइन पर भेज दिया जाता है, जहाँ सबसे पहले वेइंग मशीन की हेल्प से इनका वजन चेक किया जाता है। मछलियाँ प्रोसेसिंग लाइन में आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं। प्रोसेस लाइन में मौजूद वर्कर्स इन मछलियों को काटकर अंदर से साफ कर देते हैं। अंदर से साफ इन मछलियों को ट्रेज में लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ मछलियों को समुद्र से पकड़ने का काम जारी रहता है। पकड़ी गई मछलियाँ अलग अलग किस्मों की होती हैं, जिनकी कीमत कई बार मार्केट में करोड़ों तक पहुँच जाती है। पकड़ी गई बड़ी मछलियों को वर्कर्स की हेल्प से अंदर से साफ किया जाता है, और जबकि छोटी मछलियों को साफ करने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है। प्रोसेसिंग की ये पूरी लाइन एल्यूमिनियम और नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक से बनी होती है, जिससे मछलियों में कोई भी जहरीला तत्व जाने का खतरा नहीं होता, और ये सारा काम काफी साफ सफाई से किया जाता है। अंदर से साफ की गई मछलियों को पैक करने से पहले आखिरी बार इन्हें मशीनों द्वारा पानी से साफ किया जाता है, जिसके बाद इन मछलियों को फ्रीजिंग ट्रेज में डाल दिया जाता है और इन्हें काफी कम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया जाता है। कम टेम्परेचर पर ठंडा करने की वजह से इन मछलियों पर लगा पानी बर्फ बन जाता है और ये मछलियाँ एक दूसरे से चिपक जाती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बाद में इन मछलियों को मशीन की हेल्प से पैक कर दिया जाता है। पैकिंग का काम कंप्लीट होने पर इन पैकेट्स को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दिया जाता है और जहाज समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद इन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है, जाने विदेशी मार्केट में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।